जे एवें गलती करन तो पहला सोचिया ना फिर मारे जावांगे। सतगुरु महाराज कहिंदे कर करके करतब लोग लिख लिख के अपने लई जांदे ने, कोई नाम दा करतब, कोई सेवा दा करतब, कोई पुन्ना दा, कोई पापां दा, कोई किहे जे कर्म, आपो अपने कर्म ने। आपे बीज आपे ही खाओ, खखे दा कन्ना जिहड़ा इहदी आवाज नूं लम्मा कर दिओ, हाहे दे औंकड़ नूं बोल भी जाणा ते नहीं भी बोलणा, इह दोनों ही कर्म कर जाणे, क्योंकि छड़ना नहीं ना। बिल्कुल ये नहीं कहना कि व्याकरण वास्ते ही वरत्या होया, आपे बीज आपे ही खाह, बाण वही अखर जांदा। जे आप औंकड़ नूं चक दिंदे इथों आपे बीज आपे ही खाह खाह, फिर हाहे नूं कन्ना लग गया ते अर्थ ही होर बन जाना। इस करके आपे बीज आपे ही खाह, औंकड़ बोलिया भी गया नहीं भी बोलिया, दोवें गल्लां हो जांदियां, जिन्नी कु उहदी आवाज आ उन्नी कु बोलती। महाराज कहने इंसान जिहड़ा है ये आपे बीजदा भाई, आपे बीजा होया फिर खांदा जिहा जिहा उहदा, जिहा बीजा सो लुणा है, करमा संदड़ा खेत, खेत शरीर जो बीजी है अंत खलोआ आए। जिहड़े काम अज तों 40-50 साल पहलां कीते सी अज उहनां दे इवजाने भुगतने पै रहे ने आपां नूं। जिन्ना भी कर्म अपना जिंदगी दे अंत ते सारे कर्म अपने सामने खड़े हो जांदे ने। जदों बंदा रिटायर हुंदा दफ्तर विच्चों, उदों भी उहदे सारे लेखे पत्ते फिर देखे जांदे, कदों इहने पैसे ले किन्ने, 5 रुपये बई तैथों लैणे, जद तक 5 रुपये तू जमा नहीं कराउंदा खजाने विच तैनूं 4 लाख रुपया उदों तक मिल नहीं सकदा। पहलां 5.5 रुपये जमा करा, जे 1 रुपया 50 पैसे भी लैने तां भी 4 लाख नहीं मिलता, कि पहला खजाने जमा करा के दिखा। देखो किन्नी वड्डी निकी जी गल पिछे इन्ना काम रुक जांदा। सो महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे ने आपे बीज आपे ही खाओ, आपे बीजो आपे खाओ। ध्यान रखो बीजन वेले अखां नाल जल बीजदे हैं, परत्र रूप ना पेखा नेत्र, जां कन्नां नाल बीजदे हैं, चुगलियां सुणदे निंदा सुणदे हैं, जब मूह नाल किसे निंदा करते हैं भी बीज रहे होंगे आप, उदों सोच के चुगली करो, सोच के निंदा करो, कितने एवं फाजो फिर यदा फल खाना पै गया। द्रौपदी ने माड़ी जी गलती कीती सी, जब जाके दुर्योधन पानी च डिगया उहदे महलां च, वह पता नहीं सी लगता पानी है कि फर्श है, इन्ने सोहने फर्श होंदे सी, तां जब डिग पिया हस भी उत्ते खड़ी सी, कहिंदे अन्ने दा पुत अन्ना ही रहा, हुण दसो एडा वड्डा राजा उहनूं ऐं कह देणा। उहनूं गुस्सा आ गया, वह द्रौपदी ने मूँह नाल बीज लिया अपना। जदों आपां किसे नूं गाल कढ़दे हां उदों बीज ही रहे हुंदे आपां, फिर जे थप्पड़ पैंदा आपे ही खाओ, फिर थप्पड़ भी मूँह पै जांदा, जे कतल करदा तां फांसी मिल जांदी। इह महाराज कहिंदे इह तां तुसीं देखो वे आपे बीजो ते आपे ही खाओ, बीजो फिर सारे मिलके सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी, सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी, सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी, सतनाम श्री वाहे गुरु। हम महाराज कह रहे आपे बीजी जाओ, वाहगुरु 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 करी जाओ। महाराज का फल कदों मिलेगा? कहने अज तो 40 साल में जाऊंगा। जब तू जाएगा ना दुनिया चो, जा जिंदगी तो बुढ़ेपा तेरा आएगा, यह नाम का फल तेन मैं बुढ़ेपे च दऊंगा, जदों तेन लोग कहे बाबा परे हट, बाबा तेन उदों नाम देंगा, तेनों नाम का आसरा देंगा, तेनों मैं पालांगा नाम दे नाल, उदों तेरा बीजा होया नाम हरा उदों हो जाएगा, परलोक च हरा हो जाएगा। जेड़े महाराज नाम जपदे नहीं, महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे ने उन्हां नूं अकाल पुरख का हुक्म हो जाता, नानक हुक्मी आव हो जाओ। उन्हां नूं हुक्मी परमेश्वर हुक्म कर देंदे ने कि आओ जाओ, बस जम्मी जाओ मरी जाओ, जम्मी जाओ मरी जाओ, यही काम करी जाओ, क्योंकि हुक्मी अकाल पुरख के हुक्म आते ने जाते ने आते ने जाते ने, उन्हों का भला हों नहीं।
ते जिन्हां ते किरपा कर दिंदे ने ओह हुक्मी अकाल पुरख दे हुक्म विच संगत विच आवो जाओ भाई आओ जाओ गुरमुख आवे जाए निसंग गुरमुख निसंग आओ सवेरे आजो रात आजो दुपहरे आजो शाम नूं आजो जद जी करदा चले जाओ कोई रुकावट नहीं गुरमुखां नूं संगत विच सचखंड दे विच आउणा जाणा बिल्कुल कोई रुकावट नहीं पर मनमुखां नूं इत्थे आवो जावो नहीं उह तां उधर आवो जावो जूनां बणाईआं तुहाडे लई कदे किसे जून विच कदे किसे जून विच कदे किसे जून विच भटकदे फिरो इउं महाराज कहिंदे पुन्नी पापी जिहड़े ने इहनां तों निर्लेप रहि के एक नाम दा आसरा लै के अपने जीवन नूं सफला करो नाम दा ही आसरा वड्डा है भरिया मत पापा कै संग उह धोपै नाला कै रंग वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चर्चा करते हुए बख्शिश कर रहे ने सो महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे सधारण तौर पर तुहानूं दस्सिया कि पानी नाल जे कोई भी चीज है हाथ पैर आदिक लिबड़ जांदे ने पानी नाल धो लो सो एक मलीनता सूखम रूप विच है कैसी साखी ते प्रमाण राही श्रवण करदे धन गुरु नानक देव महाराज सृष्टि तारद्या होया जगन्नाथपुरी वल जा जाके जंगलों वल बैठ गए सुशोभित होए ने मदाने धुरकी बाणी आई है भाई कीर्तन करिए शब्द पढ़ रहे ने एक बघियाड़ तुरिया जा रहा मरदाना देख रहा सारा कौतक उन्हें एक समुद्र के किनारे मुड़दा बंदा पिया उन्हें जाके वो पैर सूंघे फिर हाथ सूंघिया फिर मत्था सारा कुछ सूंघ सूंघा के फिर बघियाड़ वापस मुड़ गया उन्हें नहीं खादा उन्हें मरदाना महाराज नूं बाद विच कहण लग्या महाराज मैं अज एक अजीब कौतक देखिया एक मास खाण वाला जानवर मास छड़ देवे खावे ना यह किवें हो सकता गुरु नानक देव जी कहते मरदानिया वो बघियाड़ के कन्ना विच गुरु की बाणी का कीर्तन पै गया बघियाड़ नूं यह सोझी होवाई है कि जे मैं अपना खाना कुदरत वालों लिखिया खाना भी है तो अपवित्र नहीं खाता उस बंदे दे पैर सूंघे ने वो बंदे दे पैर कदे सत्संग वाल नहीं गए वह कहिंदा छड्डो परे मुरदार नूं की खाना एक तो वह गुरमुख प्यारे ने जेडे शरीर छड जान तां भी लोग उन्हां नूं पवित्र मानते ने कि ऐसियां रूहां फेर नहीं आउंदियां फिर इन्हें हथ सूंघे वो बंदे ने कदे कोई सेवा ही नहीं सी कीती हथां नूं भी नहीं खादा मत्था सूंघिया मत्था कदे टेकिया ही नहीं साधु महात्मा नूं संगत च गया नहीं वह भी नहीं खादा फिर वह हिरदा सूंघिया जो हिरदा भी नहीं हिरदे च नाम ही है नहीं इस करके शरीर नूं सारे नूं ही अपवित्र जान के वह छड के चलिया गया इउं बंदे दे जिहड़े ने इह महाराज कहिंदे भरिया है हथ हथ जे भर जाण पापां नाल कतल करके गुनाह करके बिन सेवा त्रिग हथ पैर होर निफल करनी महाराज दसवें पातशाह ने कहा जल लियाओ भाई जल छकना है सेवादार किते पासे सी एक अमीर घर का लड़का गुरसिख बनया होया सुंदर सोहना भज के हाथ धो के चंगी तरह बाटा लोहे दे बाटे विच महाराज छकदे जल लोहे दा बाटा भर के लेके आया सरबलोह दा सतगुरु महाराज ने जल पकड़ लिया कहते तेरे हाथ बड़े सोहने बच्चा
और इन्हों हथा नाल सेवा की है। कहने महाराज अमीर मां बाप के बच्चे हैं, नौकर जाकर रखे हुए ने, अज जिंदगी पहली बार बाटा भर के जलदा आप जी ने पकड़ाया है। महाराज ने वह पानी उत्थे डोल दिता, कहते यह जे कोड़ी हथा तो पानी नहीं पीना सी। जिन्हां ने कदे सेवा नहीं की थी, वो हथ पवित्र नहीं हो सकते। तो इस करके महाराज कहने जिन्हां दे हथ माड़े काम कर करके अपवित्र हो गए ने, जिन्हां ने बड़े माड़े काम किए ने, इन्हां हथां नाल पता ही हुंदा सारिआं नूं की माड़े काम करदे बंदे, इन्हां हथां नाल की नहीं करदा इंसान। ये हथ फिर भर जाते ने सूखम मैल दे नाल, जिहड़ी वो फिर मैल उतरदी नहीं है। भरिया हथ पैर, फिर पैर जिहड़े ने उक संगत वल जा जा के मैल नाल भर जाते ने। बघियाड़ ने पैर सूंघे ने, पर कहिंदा ये तां कदे सत्संग वल ही नहीं गए। नहीं तां जिहड़े आम तां आपां कहिंदे आओ जी सत्संग जी चरण पाओ साडे घर, आओ प्यारे चरण पाओ, कदे किसे शराबी नूं भी कहा जिहड़ा डिगदा जांदा आ भाई साडे चरण पा, क्योंकि तेरे तां चरण ही नहीं हैगे, तूं तां पैर अपने खरौड़े बना ले, इस करके ये तेरे पैर पूजन योग नहीं। एक गरीब जिहा बंदा होवे संगत विच रोज जाण वाला, उहनूं भी आपां कहिंदे आ भाई आ जा साडे घर चरण पा, क्यों तेरे चरण महान ने, तैनू 35 साल हो गए इत्थे सेवा करदे नूं, 35-40 साल कईआं गुरमुखां नूं इत्थे सेवा करदिआं नूं बिना नागा, उहनां नूं आपां कहिंदे आ इह प्रेमी नूं आपां घर लै के जाणा, इहदे पैर पवित्र ने, इहदे हथ पवित्र ने, पर अपवित्र हथ ते अपवित्र हो चुके पैर, तन तन हुंदा अंतशकरण, अंदरों माड़े ख्यालां नाल अंतशकरण मैला होया पिआ। देह देह जिहड़ा सारी देह है, शरीर है, ये भी मैला होया पिया, कुछ भी पवित्र नहीं इस इंसान का। सो महाराज कहिंदे ने भाई जदों ये सारिया हथ पैर तन देह अपवित्र हो जाते हैं, हुण तां चलो जमाना होर तरह का आ गया, थोड़ी ही चिर की गल है 20-30 साल पहला मर्यादा च तां हुण भी लिखिया, पर हुण कोई मन्ने भी तां। सो जद कदे एक बार असी पंजां प्यारां च श्री अमृतसर साहब नगर कीर्तन दे सेवा लगी, बेध्याने तुरे जाइए, हुण थले तुहानूं पता गंदगी हुंदी, आ तां हुण जिहा रवाज चलिया झाड़ू अगे अगे मारन दा, मैं महापुरशां नूं आ के बेनती कीती, मैं कहा भी हुण सेवा तां तुसीं पंजां प्यारां लाई है नंगे चरनी, पर मेरा पैर रस्ते विच इक माड़ी चीज़ नूं लग गया, किसी ने सिटे हुई सी जगत जूठ, उहनूं पैर लग गए, दसो हुण तो पंजां प्यारां लगे हुए की करिए। महापुरख कहिंदे पुराने समें विच जे किसे दा हथ जां पैर तंबाकू आदिक नूं लग जांदा सिंह दा, सारे वस्त्र धोंदा सी, उह केसी इशनान करदा सी, फिर श्री हरिमंदर साहिब सिंह इशनान करन जांदे हुंदे सी, किसी ने पूछना कित्थे चलिया, कहिंदे पवित्र होण चलिया, उदों फिर हरिमंदर साहब जाके इशनान करके पवित्र मानते सी अपने आप नूं। इह पहला मर्यादा रही है पर हुण नहीं है, हुण तां सारे जाने उदां ही बस जिवें जी करदा। इस प्रकार जे असीं बसां विच वी सफर करदे सी उदों तक जत्थे दे अंदर प्रवेश नहीं हो सकदा सिंह, जद तक उह सारे कपड़े नहीं धोंदा, केसी इशनान नहीं करदा, गात्रा नहीं धोंदा, क्योंकि कहने बस में सफर करके पता नहीं केड़े केड़े बंदे नाल टच होया, अंदर नहीं सी वाड़दे उदों तक, पहला केसी इशनान करके आ बई, क्यों थां थां दे उत्ते लोग। इस प्रकार है कि जिहड़ियां गल्लां असीं पहला कहने उहनूं जां तुसीं मखौल करदे संसार दे लोग, जे असीं कहने आ जिहड़े आ चिल्लर जे ने 1 रुपये वाले 2 रुपये 5 रुपये वी इह बहुत झूठे हुंदे ने। हुण डॉक्टर कहिंदे ने इहदे नाल जिन्ना वायरस फैलिया बीमारी फैली है आ रुपइयां नाल, इह बहुत ज्यादा अपवित्र चीजां ने, पता नहीं कित्थों चलदे ने, कित्थे पहुंचदे ने, किहदे किहदे हथ लगदे है।
इस करके सतगुरु महाराज जी कहते हैं जिहड़ी अपवित्रता हो जानी है हत्थां पैरां दी अंतस्करण दी शरीर दी तन मन करके अपवित्र हो जाना है, मन करके अपवित्र, बाणी करके अपवित्र, शरीर करके अपवित्र, इन्नियां सूखम मैलां नूं जिहड़ा उतारना उह किवें उतारना है, वह भी नाम नहीं उतारना है। पाणी धोता उतर सुखे महाराज कहने ने, वो भाई फिर इउं करो साध संगत रूपी घाट ते जाओ, जे हाथ पैर तन दे पवित्र करने ने, जिवें घाट हुंदा दरिया दे किनारे समुंदर दे किनारे घाट बने हुंदे ने नहाउण धोउण नूं इशनान करन नूं, मणिकरण घाट, हरिद्वार घाट, गंगा घाट ते बने हुंदे हर जगह दे उत्ते। महाराज कहिंदे हुण होर सारे घाट छड्ड दिओ, साध संगत रूपी घाट ते जाओ, उत्थे जा करके नाम रूपी जल प्राप्त करो, निश्चय दा पटड़ा लैके जुगतियां दियां मुखियां मार के उस स्थान ते साध संगत रूपी स्थान ते जा के, या फिर प्रेम दा पानी पा के नाम दा साबण ला के, तां किते जा के अपने हाथ पैर तन देह पवित्र होना, सारा कुछ इत्थे पवित्रता हुंदी है। पवित्रता एक इन्नी सूखम चीज है जिहड़ी सधारण व्यक्ति दी समझ नहीं आ सकती, प्रमाण दिंदे हैं। कोई अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर साढ़े मित्र गंगानगर, सो उत्थे एक जगह दे उत्ते एक पानी वाला ड्रम सी, उत्थे पानी टूटी दा चल रहा सी बड़ा खुला बाथरूम दे विच, उत्थे सारे जाने अपने हाथ धोंदे सी, जिवें बाथरूम दे विच अटैच ही हुंदा सारा कुछ, उत्थे ही उठना उत्थे ही हाथ धो लैणे। वह पानी चलता होया टूटी दा ड्रम दे विच बड़ा साफ सुथरा सी, वह डॉक्टर साहब ने उहदे विच मूँह धोता अपना हाथ धोते, बाद विच असीं कहा डॉक्टर साहब ये जिहड़ा पानी है ये पवित्र नहीं है। उन्हां दा जवाब सी कहिंदे साफ पानी देख के मैं कहा साफ होना होर चीज है, पवित्र होना होर चीज है। इउं तां साफ पानी कई थावां ते गल्लां गां गां वध जांदियां, साफ पानी तां कई थावां ते हुंदा पर पवित्र तां नहीं मन्निया जांदा, पवित्र जल नहीं उहनूं मन्निया जांदा। इस करके इन्हां चीज़ां दा जदों फर्क आपां नूं महसूस होण लग पिया उदों ज्ञान हो जाणा। सो सतगुरु महाराज कहिंदे जिथे नाम है उत्थे पवित्रता है, जिथे नाम नहीं है उत्थे पवित्रता नहीं। पाणी जिहड़ा है साध संगत रूपी घाट ते आ के प्रेम दा पाणी पाओ, नाम दा साबण ला के, ये जिहड़ी खे सुआह लगी हुई है, क्योंकि खे सुआह अक्खर उहनां नूं ही कहा जांदा जिहड़े लोग शाम नूं आपां कहिंदे खे सुआह खा के आ गया, तंबाकू है, शराब है, आ जरदे जे है, होर कई प्रकार दी चीजां है, इधरले उधरली पता नहीं किन्ना कुछ नौ लैण नूं जी नहीं करदा जिन्हां दा सवेरे सवेरे, ये सारी कई बंदे कहिंदे खे उड़ाती इहने, खे सुआह खा के आ गया, इहदे सिर च खे पै गई। जे कोई कुकर्म करके आ जाए किसी माड़े थां कहिंदे खा ली खे नहीं हटिया तूं, यह वो है पानी धोता उतर सुखे, एक खे का कि एक ही अर्थ नहीं है, एक कई प्रकार की खे जी आप जिंदगी कई अर्थों में वरतते हैं, उस खे न उतारन वास्ते महाराज कहने जे भर जान थोड़े हाथ माड़े कमां, हाथों सेवा करो, पैरों सेवा के तुर के आना गुरु घर दी, देखो उन पैरों लोग माड़े पासे तुर के परिक्रमा ताइयों करीवियां सरोवर दियां गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दियां कि पैर पवित्र हो जाण, हाथ पवित्र हो जाण, ताइयों चौर साहब की सेवा करी दी है ते जाके कार सेवा करी दी है, अंतस्करण पवित्र करन लई ताइयों नाम जपीदा, पूरी देही नूं पवित्र करना, मूत पलीती कपड़ होए ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਦਿਕ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਛਿੱਟਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਕ
ਦੋ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦ ਗਏ ਨੇ ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਲੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕੌਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਇਆ ਸਮਝ ਲਓ ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇੱਕ ਪਾਠੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕਰਤੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਤੋ ਬਸਤਰਾਂ ਤੇ ਛਿੱਟੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਰੌਲ ਤੇ ਬੈਠਣ ਆ ਕੇ, ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਧੀ ਚੰਦੀਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਰਸਤੇ ਗਏ ਸੀ ਹਿਸਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖੰਡਰ ਜਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਤ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਵਰਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਤ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਰਤੀ, ਰੌਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪੈਰ ਧੋਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆ ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਲੋਕ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਧੋ ਲਓ, ਇਹ ਸੌਖੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਠੰਡ ਲੱਗੇ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਅਵਜਾਨੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਬਾਹਲੀ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਭਾਈ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ, ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ ਦਾ ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜਾ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਨੇ ਵਿਕਾਰ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਸੰਕੇਤੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਸਾਬੂਣ ਲਈਆ ਉਹ ਧੋਏ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਦਾ ਸਾਬਣ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਹੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ